फाइनली गाइस आप लोगों के डिमांड से मैं नेपाल टू इंडिया साइकिल राइड से आ चुका हूँ। देख सकते हैं मेरा साइकिल एंड आप लोग देख सकते हैं नेपाल एंड इंडिया। एंड गाइस बिहार में आते मेरे साथ एक स्कैम हो गया भाई, स्कैम कर दिए लोग। ऐसे ही वीडियो बना रहा था और एक बंदा आया और मेरा मोबाइल मतलब ऐसे किया, मतलब जैसे कि छीनना चाहता होगा। तो इनको देखिए भाई कहां कहां से घूम के आ रहे हैं अभी, ये दो कपल है भाई, चलिए इनसे बात करते हैं। Where are you from sir? From Russia. Russia? Russia. And where are you going right now? Right now we're going to India. And your YouTube channel name sir? तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप लोग का मेरा ब्लॉग में दिल से स्वागत है, होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइज बहुत दिन पहले एक बंदा मुझे कमेंट किया था कि भाई आप इंडिया टू नेपाल साइकिल राइड करिए, आई मीन नेपाल टू इंडिया साइकिल राइड कीजिए। तो गाइज मुझे आज इंडिया जाना है, तो मैं सोचा क्यों ना आज साइकिल से चला जाए। बाइक से बहुत टाइम गया हूँ, ऑटो से बहुत टाइम गया हूँ, लेकिन आज क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जाए ब्लॉग को साइकिल से जाके। तो गाइस मैं आज नेपाल टू इंडिया साइकिल राइड करने वाला हूँ गाइस। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और रास्ते में मेरे साथ क्या क्या होता है, तकलीफ होता है कि क्या होता है, आप लोग लगे रहिए ब्लॉग में। तो ये देख सकते हैं हमारा घंटाघर, वीरगंज का घंटाघर, और मैं यहाँ से साइकिल राइड स्टार्ट करने वाला हूँ। देख सकते हैं मेरा साइकिल, तो यही साइकिल से मैं साइकिल राइड स्टार्ट करने वाला हूँ गाइज। एंड गाइज ये मेरा साइकिल नहीं है, एक्चुअली ये मेरा अंकल जी का साइकिल है, तो अंकल जी से साइकिल मांगा राइड करने के लिए। तो गाइज ये रास्ता भी जाएगा, ये रास्ता भी जाएगा एंड ये रास्ता भी जाएगा, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ किस रास्ते से जाऊँ। ऑफकोर्स ये रास्ता तो बेटर होगा, तो चलिए वही रास्ते से चलते हैं। एंड देख सकते हैं मेरा साइकिल और मैं रेडी हो चुका हूँ, चलिए चलते हैं। तो फाइनली गाइज आपका भाई निकल चुका है नेपाल टू इंडिया साइकिल राइड। तो गाइज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नेपाल टू इंडिया साइकिल राइड करने के लिए। अब देखते हैं कैसा सफ़र होता है। एक्चुअली गाइज मैं ज़्यादा साइकिल नहीं चलाता, मैं साइकिल उतना अच्छा से प्रॉपर रूप से साइकिल चलाना भी नहीं आता, फिर भी आप लोगों के डिमांड पर मैं नेपाल टू इंडिया साइकिल राइड कर रहा हूँ गाइज। एक्चुअली मेरे शहर से इंडिया ज़्यादा दूर नहीं है, तो गाइज मैं अभी थक गया हूँ, जस्ट स्टार्ट किया जस्ट थक गया। तो अब देखते हैं सफ़र में कैसे क्या कर पाता हूँ कि नहीं, क्या होता है क्या नहीं। एक्चुअली मेरे शहर से बिहार जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इंडिया टू नेपाल साइकिल राइड कर रहा हूँ। तो एक्चुअली गाइस मैं बहुत ही थक गया हूँ, लगभग 5 किलोमीटर जितना चला लिया साइकिल, थक गया हूँ गाइस। अभी भी बहुत ही दूर जाना है, देखते हैं क्या होता है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। एक्चुअली गाइज थक गया हूँ बहुत, और सामने एक मंदिर भी पड़ता है, मंदिर का भी दर्शन हो जाएगा इसी बहाने। एंड गाइज आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आप लोगों के कारण से मैं, आप लोग एक प्रकार के चैलेंज दिए थे मुझे कि नेपाल टू इंडिया साइकिल राइड कीजिए, तो वही कर रहा हूँ गाइज। आप लोग क्या क्या करवाते हैं गाइज, चलते हैं अब इंडिया में क्या होता है क्या नहीं। जैसे कि आपको बोला था कि रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, वैष्णो देवी मंदिर, ये देख सकते हैं इधर, ये वैष्णो देवी चौक है,
हाँ मंदिर ये रहा, तो चलिए दर्शन भी कर लिया जाए। तो गाइस चलिए चलते हैं मंदिर। एक्चुअली एक बच्चा था जो कि जूता पहन के आ रहा था, तो उसे मना कर दिया मैंने। मंदिर का दर्शन हो गया, अब फिर से निकलते हैं अपने सफर पे। आज मंदिर में वो बच्चा था ना, तो बच्चा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जूता लगा के मंदिर में जा रहा था, तो मैंने रोका बच्चे को एंड उसको मम्मी भी बोली कि जूता खोल दो, तो बच्चे ने जूता खोल के मंदिर में गया और मंदिर डायरेक्ट अंदर जाके जो प्रसादी होता है ना चढ़ावा लड्डू पेड़ा था, तो बच्चा वो उठा के खाने लगा गाइस, तो उसको उसकी मम्मी मारने लगी। तो बच्चे को नहीं मारना चाहिए, एक्चुअली उसे समझाना चाहिए गाइस, कोई ना बच्चा है गलती से ही सीखता है सीखेगा। तो गाइस सफर ज़्यादा दूर नहीं, आप देखते हैं अभी क्या कितना टाइम लगता है। तो गाइस आप लोगों के एक बात बता दूं, मेरा अयोध्या जाने का प्लान बन रहा है गाइस, देखते हैं अगर बजट बन गया तो निकल जाएंगे श्री राम जन्मभूमि पर अयोध्या। भाई अयोध्या नाम सुन के दिल हैप्पी हो जाता है, हैप्पी हैप्पी हो जाता है। पता नहीं जा पाऊंगा कि नहीं अयोध्या, लेकिन गाइस बहुत 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 मन है जाने का। अब देखते हैं बजट बन जाएगा तो निकल जाएंगे। एक्चुअली मेरे यूट्यूब से अभी कोई पेमेंट नहीं आता, जो करता हूँ अपने पॉकेट मनी से करता हूँ। होप आप लोग सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करोगे तो अब मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग लेके आऊँगा। एक्चुअली मैं एक चौक पे आ गया हूँ, पता नहीं कौन सा चौक है, अब देख सकते हैं मेरा ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो चुका भाई। और उधर देख सकते हैं सब पुलिस वाले चेक कर रहे हैं, और देख सकते हैं ऑफ रोडिंग, ये जितना देख सकते हैं ना गाइस ये सब बॉर्डर एरिया है। और आप लोगों से एक बात बता दूं, बिहार के जितने लोग हैं ना ये बॉर्डर एरिया के, वो बिहार में तो दारू सब बंद है, तो सब बिहार के लोग यहाँ पे आके दारू पी के फिर से बिहार में जाते हैं। ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, हम देख सकते हैं इधर नाका। और आप लोगों से एक बात बता दूं, माइती नेपाल की लड़कियां लोग बैठी रहती है, वो स्पेशली क्यों बैठी रहती है, क्योंकि बहुत साल पहले नेपाल की लड़कियां लोग को लेके जा रहे थे इंडिया में, वुमेन ट्रैफिकिंग कर रहे थे, पूछते हैं ना आप बेच रहे थे, तो इसलिए किसी भी लड़की के साथ आप आएंगे तो ऑफकोर्स रोकेंगी और पूछेंगी कि ये कौन है, आपकी क्या लगती है, कहाँ जा रहे हो ये सब। तो फाइनली गाइस आपका भाई इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर आ चुका है, और मेरे सामने ठीक नेपाल गेट है। एंड गाइस इस गेट का नाम रियल नाम शंकराचार्य गेट है, जो कि हमारे बीरगंज शहर में पड़ता है। इस गेट के मतलब
वर्ल्ड वाइड फेमस है ये गेट, शंकराचार्य गेट, और नेपाल का सबसे बड़ा नाका यही है हमारे बीरगंज एंड रसकौल। तो देख सकते हैं इधर गाइस, सब पुलिस पुलिस भी चेक करते रहते हैं। तो यहाँ पे लग चुका है हमारा साइकिल, और ये देखिए भाई, ये है शंकराचार्य गेट जो कि हमारे बीरगंज शहर में पड़ता है। तो गाइस फाइनली आप लोगों के डिमांड पे मैं आ चुका हूँ इंडिया और नेपाल के बॉर्डर, यानी इंडिया आ चुका हूँ नेपाल टू इंडिया साइकिल राइड। तो इधर देख सकते हैं क्या क्या आर्किटेक्चर बनाए हैं लोग। एक्चुअली ये पहले कुछ नहीं था यार, जब से हमारे बीरगंज के राजेश मान सिंह मेयर जब जीते हैं तब से इतना डेवलप किए हैं। देख सकते हैं सब इसमें कलर सब चढ़ाए हैं, और यहाँ हमारा नेपाली फ्लैग, जय नेपाल, अपना देश तो सबको प्यारा रहता है भाई। देख सकते हैं इधर फैमिली लोग, तो आप लोग जो ये पीछे फैमिली को देख रहे हैं, ये आए हैं लोग बैंगलोर से हमारे नेपाल घूमने, न्यू ईयर में आए थे 31 दिसंबर को, तो अभी जा रहे हैं लोग पोखरा एंड काठमांडू घूम के जा रहे हैं। तो गाइस इधर देख सकते हैं टांगा, तो बीरगंज में बहुत ही कम टांगा चलता है, तो अभी ये टांगा देख सकते हैं। एक्चुअली ये लोग भी ब्लॉगर थे आई थिंक, सबके हाथ पे कैमरा था। तो फाइनली गाइस आप लोगों के डिमांड से मैं नेपाल टू इंडिया साइकिल राइड से आ चुका हूँ, देख सकते हैं मेरा साइकिल, एंड आप लोग देख सकते हैं नेपाल एंड इंडिया, और ये हमारा शंकराचार्य गेट। गाइस अभी चलते हैं, अभी तो मैं प्रॉपर रूप से नेपाल में हूँ, थोड़ा देर तो मैं इंडिया में भी जाऊँगा, तो चलिए इंडिया का मार्केट भी आपको घुमाता हूँ। तो गाइस इस पुल को मैत्री पुल बोलते हैं, देख सकते हैं का। तो ये पुल नेपाल और इंडिया को मिलाता है। तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कब इंडिया में थे कब नेपाल में। इसमें लिखा है वेलकम टू इंडिया, देख सकते हैं इंडियन कस्टमर रसकौल। तो फाइनली गाइस मैं इंडिया आ चुका, नेपाल से इंडिया आ चुका, बिहार, एक्चुअली मैं रसकौल बिहार में हूँ। एक्चुअली ब्रेक भी नहीं है, एक्चुअली देखिए गाइस बहुत जाम है, तो मैं अंदर नहीं जा सकता। एंड गाइस बिहार में आते मेरे साथ एक स्कैम हो गया भाई, स्कैम कर दिए लोग पुल पे, इंडियन पुलिस एक सशस्त्र है आई डोंट नो, वो लोग चेक जांच करते हैं। फिर से मैं अपने नेपाल जा रहा हूँ, यानी अपने घर बीरगंज, और मेरे साथ क्या स्कैम हुआ वो आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैं ठीक ऐसे ही वीडियो बना रहा था, और एक बंदा आया और मेरा मोबाइल मतलब ऐसे किया, मतलब जैसे कि छीनना चाहता होगा। तो गाइस मैं अपना मोबाइल बंद करके ऐसे कर लिया, तो थैंक गॉड मेरा मोबाइल बच गया। तो वो ऑटो पर बैठे हुए थे, डर ही लग रहा था भाई। बिहार में मतलब क्राइम रेट कुछ ज़्यादा है, लेकिन सब बिहार के बंदे लोग बहुत ही मस्त होते हैं भाई। बिहार में मतलब मेरे फ्रेंड लोग हैं, वो लोग बहुत ही मस्त हैं। तो आप लोग देख सकते हैं गाइज, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर ठीक नेपाल गेट के सामने दो टूरिस्ट लोग आए हैं, तो मुझसे कुछ पूछे, तो मैं बताया इनका नाम क्या है, ये गेट का नाम। चलिए इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। तो देख सकते हैं कितना देश घूमे हैं, तो चलिए इनसे पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं। गाइस देख सकते हैं मैप सब,
माय गॉड, कितना मतलब ट्रैवलिंग लवर्स है ये लोग, आई डोंट नो। चलिए इनसे बात करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, वेयर आर यू फ्रॉम सर? फ्रॉम रशिया। रशिया, एंड वेयर आर यू गोइंग राइट नाउ? राइट नाउ वी आर गोइंग टू इंडिया। एंड योर YouTube चैनल नेम सर? YouTube चैनल नेम? नो, वी डोंट हैव YouTube चैनल, ओनली Instagram। व्हाट इज योर Instagram आईडी सर? दिस Instagram। This? No. Yes. Yes. Instagram. Okay. And guys, देख सकते हैं ये बंदे लोग कहाँ से आ रहे हैं, रशिया से आ रहे हैं, और इनका सफर देखिए guys। और ये लोग मतलब इस, ओ भाई यहाँ से देखिए, यहाँ से आके ओ माय गॉड। तो आप लोग गाड़ी देख सकते हैं गाइस, एक्चुअली ये कपल लोग हैं, ये लोग दोनों कपल है भाई, क्या घूमे हैं भाई, बहन है उनका रशिया का भाई, और रशिया से यहाँ तक आए, वाह, इसे कहते हैं ट्रैवलिंग लवर्स। गाइज आप लोग देखे वो कपल लोग कहाँ से आ रहे थे गाइज, एंड गाइज आप लोगों को बता दूँ मेरा घर यहीं बॉर्डर तिरगंज में पड़ता है, लगभग मैं 10 किलोमीटर साइकिल चला के आया हूँ। एक्चुअली मैं कभी नहीं आया था इंडिया साइकिल से, ये मेरा फर्स्ट टाइम है साइकिल से, एंड आप लोगों को अगर नेपाल आके भंसार कराना है तो यहाँ पे भंसार करा सकते हैं। ये रास्ता पहले जाता था लेकिन अब यहाँ से ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। देख सकते हैं बीरगंज भंसार कार्यालय, ये है भंसार ऑफिस। आप इंडियन प्लेट गाड़ी लेकर आइए, साइकिल बाइक साइकिल आप जहाँ भी कुदा सकते हैं, यहाँ पे आप भंसार करा सकते हैं। तो गाइस अगर आपको नेपाल आना है तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, यहाँ पे आके आपको हेल्प कर सकता हूँ। एंड गाइस मैं थक गया हूँ, आपसे मिलता हूँ घर पे। फाइनली आप लोगों का भाई, आप लोगों का डिमांड करके पूरा थक गया है गाइज, जस्ट आया हूँ, आज दिन भर लग गया साइकिल राइड करने में। तो गाइज मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा सा भी कहीं अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड गाइज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, एंड आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए जय श्री राम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।